पटना सिविल कोर्ट के पास है, हमारी मौजूदगी अभी पटना सिविल कोर्ट के पास है, और जो भी रिक्वायरमेंट था, जो भी आप इधर देख सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पटना सिविल कोर्ट है, और यहाँ पे हम और दीपक जी हैं, और जो कुछ भी यहाँ पे ज़रूरत, जो आज जो ज़रूरी काम था वो सारा पूरा हो गया है। आज हम लोग इकट्ठा हुए थे, और उसके बाद यहाँ पर से एक वकील को चूज करना था, उसको सेलेक्ट करके एक अच्छा वकील, हम लोग काफ़ी अच्छे वकील सेलेक्ट किए हैं, और उसके बाद वकालतनामा पे वकील का सिग्नेचर, सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के बाद हम लोग जो जेल है वहाँ, फुलवाड़ी जेल, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट लेके गए, वकालतनामा जिसको पावर बोलते हैं उसको लेके गए हैं, और उसके बाद वहाँ पे कुछ टाइम वेट करने के लिए बोला कि आप वो लोग अंदर से साइन वाइन करवा के, तो फिर चारों लोगों का साइन वाइन हो गया वहाँ पर, चारों लोगों उस पर साइन वाइन कर दिए हैं वकालतनामे पे, और लाके हम लोग यहाँ पे जो वकील साहब हैं उनके पास, मुंशी जी के पास हम लोग सबमिट किए हैं, और सबमिट करने के बाद कल है, जो कि कल फर्स्ट हाफ में 11 बजे से 2 बजे तक ये काम होता है, जो कि पिटीशन फाइल होता है, पिटीशन फाइल होने के बाद नेक्स्ट डेट दिया जाता है कि आप लोगों का कब पेशी होगा, तो कल हम लोगों का पिटीशन फाइल हो जाएगा फर्स्ट हाफ में, कल भी हम लोग यहाँ पे मौजूद रहेगा, हम लोग मौजूदगी हम लोग हमारी यहाँ पे कल भी रहेगी, और उसके बाद हम लोग पिटीशन कल फाइल होगा, तो नेक्स्ट डेट तो ऐसे 9 तारीख को, लेकिन 9 तारीख को शायद कोई अनंत पूजा है, और 10-11 जो है सैटरडे संडे है, इस वजह से हमारा ज़्यादा चांसेस है डेट मिलने का, 12 तारीख का डेट मिलने का चांसेस है। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं समझिए तो बहुत बुरा खबर, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बहुत बुरी खबर है हमारे लिए कि 3 दिन का बीच में कोर्ट का छुट्टी है, 9, 10, 11, और 12 तारीख को मंडे है, तो मंडे को ही चांसेस रखते हैं, तो हमारा प्रयास यही है कि मंडे को चारों कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया जाए, और जितना जल्द से जल्द हो ये सब चीज़ झमेला ख़त्म किया जाए। देखिए आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर आप हेल्प नहीं करते हैं कोई बात नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल मिथिलेश कुमार जी आप बोल रहे हैं जल्दी कीजिए, हम लोग खुद ही बहुत जल्दी किए हुए हैं सर, आज जितना जल्दी काम हो सकता था उसके लिए हम लोग यहाँ पर से वकील आए हैं, पूरा दिन बारिश हुआ है, बारिश में पूरा दिन भींग के वकील से ले अथी किए हैं, वकील एक अच्छा वकील रखे हैं, उसके बाद वकालतनामा ले जाके जेल वगैरह में जाके साइन वाइन करवा के उन लोग से भी साइन करवा लिए, सारा चीज़ करवा के यहाँ हम वकील को जमा कर दिए, लेकिन उन लोग थोड़ा टाइम ले लेता है, तो वो सब करते करते 5:30 बज गया था, तो उसके बाद 2 बजे के बाद वो फिर पिटीशन फाइल नहीं होता है, तो पिटीशन फाइल अब हमारा यही होगा कि पिटीशन फाइल कल होगा, और नेक्स्ट डेट जो 9, 10, 11 छुट्टी हो गया है, तो बीच में हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए आप लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग बस सपोर्ट कम से कम इतना कीजिए कि आप लोग दुआ कीजिए थोड़ा कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अनिल जी जो हैं वो सबके लिए एक आवाज़ को अपना बुलंद किए हैं, वो ना तो मतलब कोई खेमा की बात नहीं है और ना कोई आपसी बैर है, कोई भी कितना भी बैर करे लेकिन किसी के कैरियर से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो लोग जेल में हैं, तो मुझे थोड़ा सा इस बात का भी डर है कि नहीं कि कैरियर कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, इस वजह से हम लोग बहुत ज़ोर शोर पे लगे हुए हैं, तो आप लोग को इतना भी बैर नहीं रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके साथ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं हमेशा ये जो आवाज़ बुलंद किए हैं मेरिट के तरफ से बुलंद किए हैं, और कहीं ना कहीं ये मेरिट को ज़िंदा भी किए हैं, ये भी बात अगर बोला जाए तो कम नहीं है, ये बात भी कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ये मेरिट को ज़िंदा किए हैं, और आप लोगों का सहयोग हमेशा इनको मिला है, तो हम आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हेल्प के रूप में इतना ही कीजिए कि बस दुआ कीजिएगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं जल्द से जल्द इन लोग सब 12 तारीख को बाहर आ जाएँ, चारों कैंडिडेट हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हैं, चारों लोग यहाँ पर बाहर आ जाए, लोग खाना अंदर में नहीं खा रहा था, हम लोगों के एक हैं महिला हैं जो कि वहाँ पे वार्डन के रूप में पदस्थापित हैं जेल में ही, ये बेउर जेल में, तो 11-12 बजे वो उनसे मतलब कि खाना पीना वो थोड़ा सा मतलब बोल के थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके इन लोग खाना वाना खाया, वो भी शायद अनिल जी खाए हैं कि नहीं खाए हैं उसमें भी हमको थोड़ा डाउट है, इसका भी हमको कोई एकदम कन्फर्मेशन नहीं है कि वो लोग खा ही लिया, लेकिन हाँ 1-2 जन खाया था, और जेल का खाना भी अच्छा नहीं रहता है, कितना कष्ट है आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि अनिल जी जेल में भी सत्याग्रह पे उतरे हुए हैं, मुझे जहाँ तक आइडिया है, कहे कि वो महिला बोल रही थी कि 1 जन है जो नहीं खा रहे, उनका शायद वो महिला को याद नाम नहीं होगा कुछ, तो बोल रही थी कि 1 जन कोई नहीं खाया, तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि अनिल जी हैं, और
ये जो गांधी जी के जो रास्ता है सत्याग्रह आंदोलन और उस तरीके से जो जेल में आमरण अनशन करके भूख हड़ताल पे बैठे थे, हमको लगता है इसी रास्ते पे निकल रहे हैं। और सिर्फ इनका एक ही मांग है, अनिल जी का सिर्फ एक मांग है कि संपूर्ण बहाली किया जाए। जो गवर्नमेंट बोला है कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नौकरी पक्की है, तो फिर पक्की किया जाए। 12 मार्च को पक्की कर दिया और 21 जून को कच्ची कर दिया, ये कहीं से भी गलत, बहुत ही गलत बात है, कहीं से लॉजिकल नहीं है। गवर्नमेंट की धोखेधड़ी है जो इस तरह का नियम नीति कर रहा है। और कुछ लोग जो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं अनिल जी से, उनसे भी हम यही बोलेंगे कि देखिए साथियों, कहीं ना कहीं ये हमारी लड़ाई है। स्टेट जो है ना आपकी है ना हमारी है, सबकी है। और ये मुद्दा हमेशा लाइट में रहना चाहिए, हमेशा मुद्दा बना रहना चाहिए। इसके लिए अगर अनिल जी आवाज़ उठा रहे हैं तो उनका साथ देते हैं तो ठीक है, नहीं साथ देते हैं तो कम से कम विरोध ना किया जाए, और कुछ नहीं, कम से कम विरोध ना किया जाए, यही हम उम्मीद करते हैं। कि आप साथ दिए बहुत अच्छी बात है, आप साथ दीजिए, हमारे साथ आके खड़ा रहिए, हमारी आवाज़ को बुलंद कीजिए, इसके लिए तो बहुत शुक्रिया है आपका। लेकिन अगर साथ नहीं भी देते हैं तो विरोध ना कीजिए, कहीं ना कहीं वो आपका भी मुद्दा, हम लोग एक ही मुद्दा पे काम करते हैं कि संपूर्ण बहाली किया जाए। और ये पॉसिबल है, बहुत लोगों के माइंड में होता है कि पॉसिबल नहीं है, संपूर्ण बहाली बिल्कुल पॉसिबल है। एस्टेट ही एक ऐसा टीचर का बहाली है जिसमें पॉसिबल है, लिमिटेड कैंडिडेट है। ये एग्ज़ाम भी 8-10 साल बाद हुआ था, बहाली तो 10-11 साल हो ही गया, एग्ज़ाम भी 8-10 साल बाद हुआ है। और इसमें 80,000 के संख्या में होंगे और पिछला बैकलॉग होगा जो 1-2 हज़ार के संख्या में होंगे, तो 82-83 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। उसमें भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट वगैरह है, बहुत सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, डोमिसाइल है, बहुत सारा प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये पॉसिबल है कि एक साथ सबकी बहाली हो जाए। लोगों को अगर ये चीज़ का डाउट होता है कि कंप्यूटर और सोशल में ना होंगे, बिल्कुल हो सकता है सर, 9360 स्कूल है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सब किया जाए तो उतना ज़्यादा कैंडिडेट बचेंगे भी नहीं, जितना बचेंगे उतना वैकेंसी भी है। और सोशल में भी वही बात है, 11-12-13 हज़ार तो आराम से आ ही जाएगा, और उसमें भी बहुत सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारा बैकलॉग सीट भी आएगा। तो ये सब चीज़ का चक्कर है, इसमें संपूर्ण बहाली बिल्कुल पॉसिबल है। इसलिए हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इनका सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अनर्गल बात नहीं किया जाए कि हाँ ये गलत चीज़ है, और गलत बयानबाजी बिल्कुल भी नहीं कि हाँ ये कैंडिडेट हैं नहीं है, इस तरह का बहुत बयानबाजी हम अभी बहुत ज़ोरों शोरों पे आप लोगों के माध्यम से भी सुन रहे हैं। तो ये सब बहुत गलत चीज़ है, किसी के बारे में इस तरह का बात नहीं उठाया जाए और न किया जाए, तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो चाहे वो मीडिया हो या सरकार हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, हर एक जगह पे एस्टेट का मुद्दा आगे रहे। इसके लिए आप आंदोलन कीजिए, हम आंदोलन करें, बात वही है, दोनों एस्टेट से ही जान, हमारा जान पहचान भी अगर कोई है तो हम लोग एस्टेट से ही जाने पहचाने जाते हैं। तो यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप विरोध नहीं कीजिएगा। अब हमारे साथ दीपक जी हैं, वो कुछ बात को रखेंगे। हेलो, हाँ नमस्कार बंधु, जैसा कि अभी मैं कमेंट देख पा रहा था, एक है जो बार बार पूछ रहे हैं कि अंदर गए थे मिलने या नहीं गए, तो माफ़ कीजिएगा, आज हम लोग तो आज अंदर में नहीं गए हैं और हमारी डॉक्यूमेंटेशन वर्क थी, इस वजह से थोड़ा व्यस्तता भी था और पानी बारिश होने के कारण हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए। और अंदर से आज हमारे अमोद किंदवार जी का एग्ज़ाम था जिसका ऑर्डर कल ही मिल गया था, तो उन्होंने जा करके सकुशल जाकर के एग्ज़ाम दिया है हाजीपुर में और उसके बाद वापस आ गया। और देखिए बात रही अभी जो आप कुंदन जी अनिल के साथ हैं, नहीं दिया, ये गलत बात है, वो हम सब लोग साथ हैं, भले आपको नहीं दिख रहे हैं अलग बात है, उनकी कुछ अपनी पर्सनल इश्यूज है, उनके घर में मेडिकल इशू चल रहा है, इस वजह से वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फ़ोन पे हमेशा साथ हैं, हम सभी साथ हैं। और बात रह गई अनिल जी को जल्द से जल्द छुड़ाया जाए, तो ऑफ कोर्स हम लोग लगे हुए हैं, अभी देर रात तक हैं, आज भी कल भी 3 दिन से तो लगातार सर आप लोग देख रहे हैं, हम सभी लोग रोड पे ही हैं, बस आप लोग सहयोग कीजिए, समर्थन कीजिए, और जिनसे भी जो बनता है एस्टेट 19 के संदर्भ में जिनसे भी बात करना है वो अपनी बात को रखिए, जहाँ भी पहुँचाना है पहुँचाइए, हम लोग लगे हुए हैं, और बस भगवान से दुआ कीजिए कि हमारा जो बेल है वो एक्सेप्ट हो और हमारे जितने भी साथी हैं सारे सब कुशल वापस आए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपसे हम एक और बात बोलना चाहते हैं, आप लोग जितने भी हमें सुन रहे हैं कम से कम एक और चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग जो प्रिंट मीडिया होता है या न्यूज़ वगैरह है इसका थोड़ा सहारा लीजिए और सब लोग जाके मीडिया बाइट दीजिए,
जो भी पॉसिबल होता है फिजिकली तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं। बहुत सारा मीडिया है जो कि ऑनलाइन मीडिया बाइट लेते हैं, ताकि हमारा स्टेट का मुद्दा गवर्नमेंट के कानों में हमेशा गूंजता रहे और जल्द से जल्द संपूर्ण बहाली करे, कोटि वाइज रिक्ति को बढ़ाए, सब्जेक्ट वाइज कोटि वाइज रिक्ति को बढ़ाकर संपूर्ण बहाली का मुद्दा पे वो गवर्नमेंट काम करे और सबकी नौकरी पक्की करे, जैसा कि 12 मार्च और 2021 को बोला गया था कि जितने भी क्वालिफाइड हैं सबकी नौकरी पक्की है, तो वो मुद्दा को वो पूरा करे। इसके लिए आप सबका सहयोग हमें ज़रूरी है। इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिनसे जो बन पड़ता है, ट्विटर के माध्यम से हो, या तो फिजिकली अगर आप मीडिया में आ सकते हैं, या तो प्रिंट मीडिया का अगर कुछ मैसेज दे सकते हैं, अगर इस तरह का कुछ भी है तो आप लोग थोड़ा सा अपना अपने एंड से कर लीजिएगा। बाकी तो हम लोग कर ही रहे हैं, प्रिंट मीडिया या फिर मीडिया बाइट या ये सब जगह पर हम लोग एक्टिव हैं और संपूर्ण बहाली की सब जगह एक ही मुद्दा कर रहे हैं कि संपूर्ण बहाली। हम लोगों का शुरुआत दिनों से मेरा यही मुद्दा है, वो जब से रिजल्ट 22 जून के से मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है कि संपूर्ण बहाली किया जाए, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नौकरी पक्की किया है तो पक्की करे, मेरा एक ही मुद्दा स्टार्टिंग से है और आज तक हम उसी मुद्दे पे हैं और आगे भी हम इसी मुद्दे पे रहेंगे। तो आप लोग अगर इसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनसे जो बन पड़ता है, प्रिंट मीडिया हो या फिर ऑनलाइन हो या ट्विटर के माध्यम से हो, स्टेट का मुद्दा हमेशा गर्म रखिए। थैंक यू साथियों, और फिर कल हम मिलेंगे, कल हम ज़रूर मिलेंगे। कल भी हमारा फर्स्ट हाफ में यहाँ पे आना है और सारा प्रोसेस जो भी काम किया है उस पर सुपरवाइज करना है, देख रेख करना है कि क्या है नहीं है, और सब लोग साथ हैं, ये मत सोचिए कि कोई साथ नहीं है, हम लोग सब साथ में हैं और सारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। इसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिए। आप सबका धन्यवाद।